वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का सूरत न्यूज पॉइंट। मेरी माटी मेरा देश महाकुंभ का एक यात्रा निकाल जहां क्षेत्र के विधायक तथा सभी कारपोरेटर और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ म्युनिसिपल कारपोरेशन के उच्चाधिकारी एवं कनिष्ठ मौजूद। वहां पर सुरक्षा गार्ड, म्युनिसिपल कारपोरेशन के सहयोगी और पुलिस बल का भी सहयोग लिया। लोगों ने टीम करके इस यात्रा को भरसक सफल बनाने का प्रयास किया। इसमें एक झांकी प्रस्तुति की गई जिसमें कन्याओं ने अपने सिर पर कलश का एक घड़ा रखा था और उस घड़े में अमृत महाकुंभ की झांकी प्रस्तुति। सिर पर कलश रख करके लोगों ने झांकी प्रस्तुति कारपोरेशन के सुरक्षा गार्ड पूरी तरह चौकन्ने थे ताकि किसी प्रकार से किसी को दिक्कत या परेशानी न हो और म्युनिसिपल कारपोरेशन के अधिकारी भी पूरी तरह से सहयोग करते हुए इस यात्रा को सफल बनाए। आइए हम सुनते हैं चौरासी विधानसभा के विधायक संदीप देसाई का और क्या बताया इस यात्रा का महत्व। और सर, आज किस प्रकार से कार्यक्रम है और क्या है? अमृत कलश यात्रा मारी मारी माटो देश आज कार्यक्रम है। ये अंतर्गत आज पीयूष पॉइंट बमरोली थी आ कलश यात्रा विस्तार में फरवानी है अने आ विस्तार की अंदर आ कलश यात्रा सूरत महानगरपालिका द्वारा दरेक जोन की अंदर आ कार्यक्रम थी रहा है। ये अंतर्गत आज उधना जोन की अंदर कार्यक्रम है। अपना जो शहीदों से એને યાદ કરવાની એક મહાનગરપાલિકાના નરેન્દ્રભાઈને જે નેમ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આ કામ સતત ફરવાની છે। એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કિયા ગયા કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આદેશિત થઈ? એ કેન્દ્ર સરકાર અપને જો મોદી સાહેબે ઉસને બોલા કે ભાઈ અપને પૂરે ભારત દેશ કે અંદર સબ જગા એ મહાનગરપાલિકા કા આયોજન લેકિન જો કાર્યક્રમ હે મોદી સાહેબ કે કિયા ભાઈ એસા હોના ચાહીએ ઉસકે હિસાબસે કાર્યક્રમ હો રહા હૈ। आपने देखा कि विधायक श्री ने कहा कि भारत की जनता को जगाने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक नया प्रोग्राम चालू किया है, मारी माटी मारा देश। इसके लिए अमृत कलश की जो यात्रा निकाली जा रही है इसमें जन जागृति, लोग जागरूक हो और जागृति के बाद देश को समर्पित हो और देश के प्रति अच्छी भावना रखें। जय हिंद, जय भारत।